मानसून का समय शुरू होते ही साथ ही साथ सर्दियों का मौसम खत्म होते ही ऐसे जो बीच का जो अंतरकाल है, ये जो बीच का समय है, ऐसे समय में पशु का ब्याने का समय अधिक रहता है। साथ ही साथ यही वह समय है जब पशु समय से हीट में आता है। इस समय का सदुपयोग यदि किसान पशुपालक करते हैं तो उसका अत्यधिक लाभ पशुपालन में रहता है। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक शानदार जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूँ जो आप पशुपालकों की 90% तक परेशानियों को खत्म कर देगी। एक छोटे से फॉर्मूले से ही आपकी 90% तक परेशानियां खत्म हो जाएगी। जो पशुओं में दूध बढ़ाने से लेकर जेर गिराने, मैला छंटाव और इन्फेक्शन इत्यादि की समस्याओं को जड़ से खत्म कर देगा। ऐसे में आपको आज एक घरेलू नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिए और साथ ही अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और नजदीक दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन भी ऐसे वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। जब पशु ब्याह जाता है तो उसके बाद तुरंत एक समस्या शुरू हो जाती है कि पशु समय से जेर गिरा दे। ऐसा सही खान पान होने के पश्चात भी काफी जगह देखने को मिलता है कि पशु समय से जेर नहीं गिराता है। ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप पशुओं को अच्छे तरीके से रखरखाव करें फिर भी ये पशु जेर नहीं गिराता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके उसकी जेर को निकलवाने की कोशिश करें। निकलवाने के पश्चात आपके लिए परेशानी यह हो जाती है कि वह पशु संपूर्ण दूध पर नहीं आ पाता है और उसके अंदर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है जो बच्चेदानी के इन्फेक्शन से शुरू होकर उसके थनों इत्यादि के अंदर भी पहुंच जाता है। ऐसे समय में दूध की उत्पादन क्षमता घट जाती है। आपको चाहिए कि इस समय में एक उपाय करें जो आपके पशुओं में इन्फेक्शन को भी घटाएगा। साथ ही यदि उसने जेर नहीं भी गिराई है, 2-3 दिन का समय हो गया है, डॉक्टर के द्वारा कोशिश करने के पश्चात भी संपूर्ण रूप से जेर नहीं गिरी है तो आप ऐसे उपाय को करें। और साथ ही यदि पशु ने आसानी से जेर भी गिरा दी है तब भी कुछ तंतु उसके शरीर में चिपके हुए रहते हैं बच्चेदानी में, जिससे वह होल्ड किए हुए रहती है बच्चेदानी के अंदर जेर, उन तंतुओं को निकालने की प्रक्रिया ही मैला छंटाव कहलाता है। मैला छंटाव यदि समय से नहीं हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है या इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा आपको लगता है और यदि पशुओं में दूध की क्षमता के अनुरूप दूध नहीं बढ़ रहा है तब भी इस उपाय को पशु के ब्याने के 15 दिन के भीतर भीतर किया जाना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए कि आप सुबह शाम दोनों समय 500-500 ग्राम काला चना, जो काला चना बाजार में आपको आसानी से मिल जाता है, वह 500-500 ग्राम काला चना सुबह भिगो दें। आप सुबह ठंडे पानी के अंदर उसे 8-10 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दें। जब वह संपूर्ण रूप से भीग जाए तो सुबह जो आपने चना भिगोया है उसको शाम को कुकर के अंदर डालकर 2-3 सीटियां लगवा लें। जब वह उबल जाए अच्छे तरीके से तो उसको ठंडा कर लें और ठंडा करने के पश्चात आप उसके पानी को निथार कर पानी को एक तरफ साइड में रख लें। इस पानी को फेंका नहीं जाना चाहिए, ये पानी आप निकाल कर एक अलग बर्तन के अंदर रख लें और चने को ठंडा होने दें। जैसे ही चने ठंडे हो जाएं तब आपको चाहिए कि आप उन चनों को साफ कर लें कि उसके अंदर कोई कंकर इत्यादि तो नहीं है। यदि कोई कंकर पत्थर है तो उसको निकाल कर फेंक दें और ऐसे साफ किए हुए चनों को आप निकाल कर अलग से किसी मामजस्ते इत्यादि के अंदर जो कूटने का सामान हो, जो चटनी सिलबट्टे की सहायता से भी आप कर सकते हैं, वह आप करें और उसको पीस लें। पीसने के पश्चात आप उसके अंदर उसी पानी को वापस से मिला दें। यह प्रक्रिया आपको दोनों समय करनी है, यानी कि सुबह आपने भिगोया है तो शाम को कुकर में सीटी लगवा कर आप उसको कूट पीस लें और कूटने पीसने के पश्चात आप उसको उसी पानी के अंदर वापस से मिक्स करें और जो गाय भैंस का फीड चारा इत्यादि है उसके साथ सम्मिलित करें। इसी प्रक्रिया को आप दूसरे समय भी इसी तरीके से उपयोग में लाएं। यह आपको 5-7 दिन यानी कि अगले 5-7 दिन तक कंटिन्यू रूप से किया जाना चाहिए। इससे होगा क्या, इससे यह फायदा मिलेगा आपको कि पशुओं का दूध तेजी से बढ़ेगा। तेजी से बढ़ने का कारण यह रहता है कि यह उनके पशुओं के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो इसकी तासीर ऐसी हो जाती है कि पशुओं में जो जेर जिन पशुओं ने नहीं गिराई है वह भी जेर धीरे धीरे कटकर बाहर ऑटोमेटिक निकल जाती है और साथ ही ये इन्फेक्शन को खत्म करने की भी बड़ी ताकत रखता है। यदि किन्हीं पशुओं में इन्फेक्शन हो गया है
तो इस उपाय के द्वारा उस इन्फेक्शन को भी खत्म किया जा सकता है। साथ ही साथ जिन पशुओं ने जेर नहीं गिराई है और उसको आपको 2 से 3 दिन हो गए इंतजार करते हुए, उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर के द्वारा जेर निकलवाने के पश्चात भी यदि कुछ जेर अटकी हुई रह जाए तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और साधारणतः यदि पशुओं का मैला छटाव समय से नहीं हो रहा है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि सभी क्रियाएं सामान्य रूप से चल रही है तब भी आप इस उपाय को ब्याने के 4 से 5 दिन के पश्चात आप इसको कंटिन्यू रूप से अगले 7 से 10 दिन तक कर सकते हैं। ऐसे उपायों को किए जाने से पशुओं में दूध की उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ती है और वह अपने संपूर्ण दूध पर 20 से 22 दिन के अंदर ही आ जाता है। ऐसी प्रक्रिया करने से आपको अच्छा लाभ होगा। मुझे आशा है कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, साथ ही आपके लिए लाभदायक भी है। ऐसे वीडियोस को आप अधिक से अधिक किसान पशुपालकों के साथ शेयर करें ताकि ऐसे वीडियोस का और इसमें बताए गए नुस्खे के बारे में सभी लोग जानकारी ले पाएं। आपके इस बारे में कैसे अनुभव रहे वह भी हमें जरूर से लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।